हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम इनटू द वाइल्ड 1.6 इंग्लिश हमारा लेसन चल रहा है। थर्ड पैसेज फर्स्ट पार्ट का हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये थर्ड पैसेज जो है ये लास्ट पैसेज इस पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राइटर पुरंदरे सर जो है वो टोटली लॉस्ट हो चुके हैं, जंगल में पूरी तरह से गुम चुके हैं। वो उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और एक्चुअली उनको ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस है ये। उनको परेशानी भी हो रही है बट वो बहुत इंटरेस्टेड हैं ट्रैकिंग में और घूमने में, इसलिए उनको मज़ा भी आ रहा है। बट एट लास्ट वो चाहते हैं कि उनको सही रास्ता मिल जाए और किसी भी तरह से वो पिटेजरी जो विलेज है वहाँ पर वो पहुँच जाए। तो यहाँ पे इस पैसेज में हम ये देखेंगे कि किस तरह से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको रास्ता मिल जाए और वो पहुँच जाए, और आखिरकार एट लास्ट वो वहाँ उस पिटेजरी विलेज में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो बहुत सुकून की सांस लेते हैं और जाकर अपने रूम पर आराम करते हैं। लेकिन लास्ट में उनके मन में ये ख्याल आता ही है कि इन जंगलों में गुम जाना, खो जाना बहुत अच्छा भी है। ओके, चलिए लास्ट पैसेज देखते हैं। इट वॉज मोर देन एन आवर, एक घंटे से ज़्यादा हो गया। एंड आई वॉज स्टिल देयर, मैं वहीं पर खड़ा था। सर्चिंग, तलाश कर रहा था फॉर ए सूटेबल ट्री टू क्लाइम, कि एक आधा ऐसा मुनासिब झाड़ मिले जिस पर मैं चढ़ूँ एंड गेट सिक्योर, और अपने आप को सिक्योर रखूँ, मीन्स जंगली जानवरों से बचाऊँ, महफूज रहूँ। झाड़ पर चढ़ना पड़ता है। टर्न बैक टू द ट्रेल यू लेफ्ट, मेरे माइंड ने मुझसे कहा एक काम करो, टर्न बैक, पीछे मुड़ो, वो जो रास्ता तुम्हारे लेफ्ट में जाता है उस पर जाओ। बट देयर वेयर नो साइंस ऑफ द ट्रेल, जो मैं टर्न हुआ तो देखा तो रास्ता ही गायब, शायद दूसरे रास्ते पर आ गए थे। आई हैड नो अदर वे टू क्लाइंब, मुझे कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। द हिल लॉक बिफोर मी, कि मैं काय पर चढ़ूँ, एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ूँ। देयर वेयर मोर हिलॉक्स, जो देखता हूँ तो कई सारी हिलॉक्स है, कई सारी छोटी पहाड़ियाँ हैं। एंड सम मोर अराउंड, और आसपास काफ़ी सारी हैं। द वन आई वॉज स्टैंडिंग, एक पर मैं खड़ा था, यानी मैं पूरी तरह से लॉस्ट हो चुका था। नियर माई फीट वेयर द ड्राइड अप ड्रॉपिंग्स ऑफ स्लॉथ बियर, मैंने देखा कि काले रीच के जो ड्रॉपिंग्स थे, यानी उनका जो लैटरिन था वो सूखा हुआ वहाँ पर पड़ा हुआ था। ये किस बात की निशानी थी? कि द स्लॉथ बियर ऑफ उम्बर जरा मस्ट बी आउट इन ओपन स्निफिंग फॉर फूड, कि उम्बर जरा के जो स्लॉथ बियर जो रीच हैं वो ज़रूर इस एरिया में फूड की तलाश में घूमते हैं। हाँ, फूड की तलाश में घूमते हैं। आई कॉशन माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कॉशन किया, मीन्स सावधान रहा। हाँ, मैंने ये सोचा कि ये बात मेरे लिए सावधानी की है कि मैं अपने आप को बचाऊं, क्योंकि यहाँ पर जानवरों के निशाना दिख रहे हैं। थिंकिंग ऑफ अवर्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इवेंचुअलिटी, हाँ मैं सोच रहा था कि किसी तरह भी अवर्ट हो जाए, टल जाए ऑल सॉर्ट ऑफ इवेंचुअलिटी, यानी कोई यानी मुझ पर कोई ऐसा इवेंचुअलिटी, कोई ऐसा काम ना हो जिससे मेरी जान को कुछ नुकसान हो जाए, इसलिए मैं पहले ही सावधान हो गया। आई मेड ए मूव, फिर मैं वहाँ से निकला। आई मेड ए मूव, फिर मैं वहाँ से निकला। आई रैन डाउन द हिलॉक, मैं उस छोटी पहाड़ी तक दौड़ता हुआ गया। डैट आई हैड क्लाइंब्ड अप, जिस पर मैं पहले चढ़ा था। एट ए फ्रेंटिक स्पीड, फ्रेंटिंग मीन्स बहुत तेज़ी से, हाँ वेरी बहुत ही तेज़ी से जो है हर्ल एंड एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइटमेंट में मैं वहाँ पर गया। द वेस्ट वॉज टू माई राइट हैंड साइड नाउ, और मगरिब की सिम जो है वो मेरी राइट हैंड साइड की जानिब थी अभी। एंड द इवनिंग ब्रीज, और शाम की हवा फ्लू चल रही थी थ्रू माई वेट कर्ल्ड हेयर, और मेरे जो कर्ली हेयर्स थे वो उसमें उड़ रहे थे, वो पसीने से गीले हो गए थे, डर डर के मारे। माई स्टमक वॉज एकिंग, मेरा पेट दर्द कर रहा था। आई केप्ट वॉकिंग इन होप, लेकिन मैंने उम्मीद में चलना जारी रखा था कि किसी ना किसी तरह मैं पिटेजरी विलेज के रास्ते को पकड़ लूँगा और देहात पहुँच जाऊँगा। आफ्टर अराउंड 50 स्टेप्स, तकरीबन 50 कदम चलने के बाद, आई फाउंड, मुझे पता चला ब्राइट रेड सॉइल ट्रेल, मुझे एक लाल मिट्टी वाला रास्ता मिला। आई फाउंड माई सिल्वर लाइनिंग ऑन दिस ट्रेल, मुझे तो
इस रास्ते पर सिल्वर लाइनिंग मिल गई। सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है रे ऑफ होप, रे ऑफ होप मीन्स उम्मीद की किरण। हाँ, उम्मीद की किरण मिल गई इसको, थोड़ा सा ये रास्ता उसका फेमिलियर मिल गया, जाना पहचाना मिल गया। यानी डेट वॉज अ बिग कंसोलेशन और मेरे सॉरी देयर वॉज देयर वेयर मार्क्स ऑफ बाइसिकल, उस रास्ते पर बाइसिकल व्हील साइकिल के चक्के के निशान थे ऑन दिस ट्रेल, इस रास्ते पर। डेट वॉज ए बिग कंसोलेशन फॉर मी, और ये साइकिल के चक्के के निशान मेरे लिए बहुत बड़ी कंसोलेशन तसल्ली भर थी। देयर मस्ट बी ए विलेज नियर बाय, मैंने सोचा ज़रूर कोई ना कोई विलेज देहात नज़दीक पास में है, यानी मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। आई रीअश्योर्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को भरोसा दिलाया। मोर क्वेश्चंस रिसर्फेस्ड, कहाँ के रिसर्फेस, मेरे सामने कई सारे क्वेश्चन आते रहे एक के बाद एक, एक के बाद एक। हाउ फार इज द विलेज, कितनी दूर होगा विलेज, एंड वेयर, कहाँ होगा, इन विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में होगा, यानी सारे सवाल इसके जहन में आते रहे। आई क्लाइंब्ड वन मोर हिलॉक, एक और हिलॉक पे चढ़ा, एक और पहाड़ी पे चढ़ा, एंड ट्राइड टू लोकेट साइंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, और देखने लगा कि इंसानी बस्ती कहाँ पर है, इंसानी बस्ती कहाँ पर है। माई लेग्स वेयर ट्रेम्बलिंग, मेरे पैर थरथरा रहे थे। ये सारे सेंटेंस बताते हैं कि राइटर फ्राइटन था, डर रहा था। लेग्स वेयर ट्रेम्बलिंग, पैर थरथर काँप रहे थे। एज आई रीच द टॉप ऑफ द हिल, जैसे ही मैं उस पहाड़ी की चोटी पर पहुँचा, आई जम्प्ड विद जॉय, मैं खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि मुझे देहात नजर आ गया था। आई हर्ड, मुझे सुने आ रही थी द साउंड्स, आवाजें ऑफ पीपल, लोगों की टॉकिंग, जो बात कर रहे थे इन द लाउड स्पीकर, एक शादी में लाउड स्पीकर लगा हुआ था उसमें लोग बात कर रहे थे। इन ए जिफी, इन ए जिफी कहते हैं इमीडिएटली, वेरी क्विकली, एक फ्रेज है। फॉरन आई रैन डाउन, मैं नीचे भागा द हिल, पहाड़ी से नीचे भागा, टुवर्ड्स द साउंड विथ फुल वाइगर, टुवर्ड द साउंड विथ फुल वाइगर, यानी जोर जोर से चिल्लाता हुआ, अरे मुझे रास्ता मिल गया, अरे मुझे मेरा देहात मिल गया, एट लास्ट आई फाउंड माई वे, आखिरकार मैं जीत गया हूँ, मुझे मेरा रास्ता मिल गया है। आई स्टम्बल्ड, और उसी भागने में मुझे स्टम्बल, यानी मैंने मुझे स्टम्बल हुई, यानी ठोकर भी लगी, एंड फेल डाउन, और कई बार मैं गिरा भी, लेकिन मैं खुश था। सॉ, फिर मैं गिरते गिरते क्या देखा, ड्रॉपिंग्स, वहाँ पे कुछ ड्रॉपिंग्स है, ब्लू बुल्स नियर बाय, वहाँ पे जो चिड़िया है ब्लू बुल्स है ना, उनकी कुछ ड्रॉपिंग्स थी, उनकी कुछ लैटरिंग्स थी। स्ट्रगल्ड स्टूड, फिर मैं स्ट्रगल हुआ, फिर स्टूड अप, फिर उठा, एंड डिसाइडेड विच डायरेक्शन टू मूव ऑन, कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, किस सिम्त में मुझे जाना है, अंधाधुंध नहीं चलना है, बल्कि देहात जिधर दिखा है उधर ही मुझे जाना है। द साइंस ऑफ सिविलाइजेशन वेयर विजिबल, लोगों की जो है बस्ती जो थी वहाँ पे, उसकी जो अलामत थी, साइंस थी, वो विजिबल क्लियरली नज़र आ रही थी, देखा मैंने वहाँ से। द टाइनी स्लीपी विलेज, बहुत ही पुरसुकून विलेज, पिटेजरी वॉज विजिबल, दिख रहा था, विजिबल नज़र आ रहा था, थ्रू द ग्रीन वुड्स, घने हरे जंगलों से देहात नज़र आ रहा था। द लेंटर्न ऑफ राजा राम भालावीज फॉर, और क्या नज़र आ रहा था, लेंटर्न यानी कंदील, राजा राम भालावी के फार्म यानी खेत में की कंदील भी नज़र आ रही थी जो जल रही थी। लाउड स्पीकर इंस्टॉल्ड, एक लाउड स्पीकर भी लगाया गया था केशव भालावी के मैरिज शादी का, उसमें से भी आवाज़ आ रहा था। ऑल वेयर इन क्लियर साइट, सारे मुझे साफ नज़र आ रहे थे। टर्न लेफ्ट टू द स्पॉट, मैंने लेफ्ट को टर्न लिया, द विलेज लेक, वहाँ पे एक झील थी, फैमिलियर हिलॉक, और एक पहाड़ी थी जिसे मैं जानता था, उस पहाड़ी का नाम था सुई हुडा की। द डार्क डॉग बार्क टू वेलकम मी टू द विलेज, जैसी मैं देहात में आया, कुत्ते ने बार्क भोंक भोंक कर मेरा क्या किया, वेलकम किया। राइटर तो खुश हो गया कि अरे तू बार्क करता है, लेकिन मैं तो खुश हूँ कि मैं आखिरकार मेरे विलेज में आ गया हूँ, मुझे रास्ता मिल गया है। द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज टू टेक ए बाथ, सबसे पहले मैंने जो काम किया वो बाथिंग, नहाया। द शेकिंग ऑफ लिम्स हैड लेसेंड अ बिट, पैरों का थरथराना थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि अब सुकून आ गया था कि मंजिल मिल गई है, मकाम आ गया है। द स्टमक एक स्टार्टेड अगेन, थोड़ा सा पेट दर्द दोबारा शुरू हुआ, एट टू द फुल, और भूख की वजह से पेट दुख रहा था इसलिए मैंने एट खाया फुल पेट भर के। एंड देन स्लम्प, स्लम्प कहते हैं फेल हेवीली, और गिर गया बिस्तर में, ऑन टू द कॉट, और सो गया, बिल्कुल घोड़े बेच कर सो गया। लाइंग अवेक लुकिंग एट द स्टार स्टडेड स्काई, हाँ, और रात में जब उठा
तो देखा कि स्टार स्टडेड स्काई, आसमान तारों से भरा हुआ है। आई स्पोक टू माई सेल्फ, और रात में मैंने मुझसे कहा, देयर स्टिल एग्जिस्ट जंगल, अभी भी काफ़ी सारा जंगल बाकी है, वेयर वी कैन गेट लॉस्ट, जहाँ पर हम जाएँ और गुम जाएँ। हैं, इजेंट दिस आवर गुड लक, क्या ये हमारी खुशकिस्मती नहीं होगी कि और दोबारा हम जाएँ और गुम जाएँ उस जंगल में। यहाँ पर राइटर का मतलब ये है कि इंसानों ने इनक्रोचमेंट इतना कर लिया है, यानी इंसानों ने जंगलों पर इतना कब्जा कर लिया है कि कुछ ही जंगल बचे हैं जहाँ पर जाकर इंसान न सिर्फ घूम सकता है बल्कि गुम जा भटक कर गुम जाने का मज़ा भी ले सकता है। इसलिए उसने खुद को क्या कहा, गुड लक कहा, कि मैं गुम गया था, मेरे लिए गुड लक भी था। ओके, तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट पार्ट एंड होता है। चलिए हम फर्स्ट पार्ट के थर्ड पैसेज की एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 76 अगर आप देखें, इस पर अपने डाइजेस्ट पर नौनेट के, तो हम आपको वहाँ पे से करवा रहे हैं। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन वेब। यहाँ पे वेब दिया गया है जिसमें लिखा गया है साइंस ऑफ द विसिनिटी ऑफ द विलेज, अलामत, साइंस यानी अलामत, विसिनिटी यानी आसपास के, यानी जो वहाँ पे विलेज था उसके आसपास की अलामत क्या थी। पहली अलामत थी मार्क्स ऑफ ए बाइसिकल व्हील, है ना, यानी साइकिल के चक्के के निशान, ये एक अलामत थी कि देहात नज़दीक है। दूसरा, साउंड्स ऑफ पीपल टॉकिंग इन ए लाउड स्पीकर में लोगों की आने वाली आवाज़ भी अलामत थी कि देहात नज़दीक है। थर्ड है ड्रॉपिंग ऑफ ब्लू बुल्स, नीली चिड़िया की ड्रॉपिंग्स, उनके लैटरिंग्स, वो भी एक अलामत थी। और लैंटर्न ऑफ ए फॉर्म, खेत में जलने वाली कंदील और चराग, ये भी उसकी अलामत थी, चार अलामत थी। ओके, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन में क्या है, पिक आउट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट फोर सेंटेंसेज डैट शो द राइटर वॉज फ्राइटन। पैसेज में से चार क्वेश्चन सेंटेंसेस ऐसे निकालिए जिसमें पता चले कि राइटर जो है वो फ्राइटन था, डर गया था। पहला सेंटेंस है, द इवनिंग ब्रीज फ्लू थ्रू माई वेट कर्ल्ड हेयर, शाम की हवा मेरे बालों के अंदर से गुजर रही थी, मैं डर रहा था। दूसरा, माई स्टमक वॉज एकिंग, मेरा पेट दुख रहा था, डर रहा था। द लेग्स वेर ट्रेम्बलिंग, पैर थर थर काँप रहे थे, मीन्स डर रहा था। द शेकिंग ऑफ लिम्स हैड लेसेंड अ बिट, पैरों की थरथराहट थोड़ी कम हुई थी, डर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फेरेंस का, वॉट इज कॉल्ड सिल्वर लाइनिंग ऑफ द ट्रेल बाय द राइटर, हाँ सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या है और वाय, ऐसा क्यों कहा है उसने, है ना, कि उस रास्ते को उसने सिल्वर लाइनिंग यानी उम्मीद की किरण, आशा की किरण, रे ऑफ होप क्यों कहा था। बिकॉज द राइटर हैड लॉस्ट हिज वे इन द जंगल, वो अपना जंगल में रास्ता खो चुका था, एंड वॉज डेस्परेट, और चाहता था टू फाइंड ए विलेज एंड सिविलाइजेशन, वो बहुत ही ईगरली चाहता था कि वो उसको सिविलाइजेशन मिले, देहात में जाए, आखिरकार वो पहुँच जाए। देन ही फाउंड ए ब्राइट रेड सॉइल ट्रेल, और उसको आखिर लाल मिट्टी का रास्ता मिल गया, जिसको उसने क्या कहा, रे ऑफ होप, यानी विद द मार्क ऑफ ए बाइसिकल व्हील ऑन इट। तो दीज मार्क्स शोड डैट देयर वॉज ए विलेज नियर बाय, ये साइकिल के चक्के के निशान बता रहे थे कि नज़दीक पास में एक देहात है। टू द फ्राइटेंड एंड डेस्परेट राइटर, डरे हुए और मायूस मुसन्निफ के लिए ये रास्ता जो था, दिस वॉज ए सिल्वर लाइनिंग, ये सिल्वर लाइनिंग थी, मीन्स रे ऑफ होप, आशा की, उम्मीद की किरण थी। तो सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है रे ऑफ होप, क्या लिखना आपने, रे ऑफ होप। ओके, नेक्स्ट है द राइटर सेड, राइटर ने लास्ट सेंटेंस कहा है, देयर स्टिल एग्जिस्ट जंगल, आज भी ऐसा जंगल मौजूद है, वेयर वी कैन गेट लॉस्ट, जहाँ पे हम जाएं और गुम जाएं। इजेंट दिस अवर गुड लक, क्या इस तरह से गुम जाना हमारी खुशकिस्मती नहीं है। व्हाट डस ही मीन बाय दिस, इस जुमले से उसका क्या मतलब है। पढ़ाते पढ़ाते हमने आपको समझाए थे, ह्यूमन बींग्स हैव ट्राइड टू टेक ओवर ऑल द नेचुरल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, इंसानों ने इंक्रोचमेंट किया है, वी हैव इंक्रोच अवर जंगल्स एंड फॉरेस्ट, हमने सारा इंक्रोचमेंट जंगल और फॉरेस्ट पर कर दिया है। एंड देयर आर ह्यूमन इनहिबिटेशंस विद इन द जंगल्स टू, और इंसानों ने जंगल पर कब्जा कर लिया है, इसलिए रियली द टू फाइंड ए जंगल वेयर देर इज़ नो साइन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड वन कैन स्टिल गेट लॉस्ट शोज दैट देर आर सम एरियाज अनटच्ड बाय ह्यूमंस, तो कुछ ही ऐसे जंगल बचे हैं जहाँ पर इंसानों ने अपना कब्जा नहीं किया है, एंड लेफ्ट टू नेचर, और जो आज भी कुदरत के लिए हैं। सो डैट इज़ वॉट द राइटर कॉल्ड अप अवर गुड लक, तो आज राइटर वहाँ जाना चाहता है और कहता है कि ऐसे जंगल में जाकर गुम जाना हमारे लिए कोई क्या है, गुड लक। ओके, पर्सन को कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर है, हाउ डू यू रिलैक्स एट द एंड ऑफ ए टायरिंग डे,
थके हारे दिन के ख़त्म होने के बाद आप अपने आप को किस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं, इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, मुख्तसर डिस्क्रिप्शन आप दीजिए। सो एट द एंड ऑफ ए टायरिंग डे, एक थके हारे दिन के ख़त्म होने के बाद, आई पिक अप ए नाइस बुक, कोई अच्छा बुक हाथ में लेते हैं, और वॉच ए गुड फिल्म ऑन टीवी, या एक अच्छी फिल्म देख लेते हैं टीवी पे, नेटफ्लिक्स पे, और दिस रिलैक्सेस मी कम्प्लीटली, ये मुझे रिलैक्स कर लेता है। एंड इफ आई गो टू स्लीप डायरेक्टली, आई एम टू टायर्ड एंड डू नॉट गेट गुड स्लीप, डायरेक्ट चले जाएंगे तो थकन है, नहीं सो पाएंगे। बट इफ आई स्पेंड हाफ एन आवर और सो अनवाइंडिंग, आई रियली फील रिलैक्स एंड स्लीपी। तो यहाँ पे दिया जाता है। लैंग्वेज स्टडी में है, आई फाउंड ए ब्राइट रेड सॉइल ट्रेल बिगिनिंग विथ अ, मीन्स अ ब्राइट रेड सॉइल ट्रेल वॉज फाउंड बाय मी, इट वॉज पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, आई हैड नो अदर वे, मीन्स देयर वॉज नो अदर ऑप्शन, मीन्स टू क्लाइंब द हिलॉक बिफोर, मीन्स आई हैड नो अदर वे का निगेटिव होगा, दिस अफर्मेटिव होगा, दिस वॉज द ओनली वे, आई हैड नो अदर वे मीन्स दिस वॉज द ओनली वे, हाँ मीनिंग चेंज नहीं होता, कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मीन्स सिर्फ एक ही रास्ता था। नेक्स्ट है सिंपल सेंटेंस बनाइए, आई क्लाइंब वन मोर हिलॉक, है ना, सिंपल सेंटेंस बनाना है तो क्लाइंबिंग वन मोर हिलॉक, फिर आई आता है आई ट्राई टू लोकेट साइंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। वोकेबलरी में देखिए, जिफी, इन ए जिफी का मतलब होता है इन ए मोमेंट, वेरी सून, फौरन, इमीजिएटली। अप्रोप्रिएट फ्रेज लगाना है, यहाँ पे कई फ्रेज लिखे हैं, टाइम एंड अगेन, टू वंस हार्ट कंटेंट, फ्रेंटिक स्पीड और इन ए जिफी, चार में से दो अप्रोप्रिएट फ्रेजेस हमको यहाँ पे लगाना है। ऑल देयर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स वेयर सॉर्टेड आउट, उनके सारे मसाइल हल हो गए थे इन ए जिफी, है ना, इन ए जिफी, चुटकी बजाते हुए, फौरन, बिकॉज ऑफ द फंड्स गिवन बाय एनजीओ। ओके, राज रैन एट ए फ्रेंटिक स्पीड, राज तेजी से भागा टू कैच द ट्रेन। ओके, तो इस तरह से ये दो सेंटेंस हमारे वो हैं। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द वर्ड्स स्लम्ड एंड स्टम्बल्ड। स्लम्ड मतलब होता है मीन्स घोड़े बेचकर सो जाना, है ना, बहुत गहरी नींद सो जाना। आई वॉज सो टायर्ड आफ्टर द ट्रैक डेट आई स्लम्ड ऑन टू माई बेड एंड फेल अस्लीप इमीजिएटली। स्टम्बल्ड कहते हैं ठोकर खाना। यस, आई डिड नॉट सी द स्टोन इन द मिडिल ऑफ द रोड ऑन द वे टू स्कूल एंड आई स्टम्बल्ड ओवर इट, हाँ मैं ठोकर खा गया। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि 1.6 इंटू द वाइल्ड का जो पार्ट वन था, है ना, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है, उसकी एक्टिविटीज़ भी हमने सॉल्व किए हैं। तो इस तरह से ये ऑल थ्री पैसेजेस वी हैव कम्प्लीटेड वेरी नाइसली, और हमने बहुत अच्छे से इसको आपको समझाया है। उम्मीद है कि आप इसकी बहुत अच्छी स्टडी करेंगे, एक्टिविटीज़ जो हमने समझाई उसको सॉल्व करेंगे, और बहुत अच्छे मार्क्स आप इंग्लिश में लेंगे, 90 मार्क्स आप लीजिए इंग्लिश में। ओके, हाँ, फिर हमारी तरफ से आपको 1000 रुपीज़ का प्राइस भी हमने सिलेक्ट किया है कि जो बच्चा 90 मार्क्स देगा इंग्लिश में, हम उसको ज़रूर 1000 रुपीज़ का जो है कैश प्राइस देंगे। ओके, ये इसलिए है कि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आप और कमेंट में जाकर, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स भी दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।